गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैं पार्ट टू के वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। और जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया के अंदर जो फैसले होते थे, डिसीजन मेकर्स, लोकतंत्र में फैसले कौन लेता है। तो पहला फैसला बेटा प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो होता है वो देश का प्रमुख होता है एंड इज़ द हाइएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, और देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं वे प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति अभी रामनाथ कोविंद जी हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर, ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन कैबिनेट मीटिंग्स। भारत में प्रधानमंत्री के पास ही समुच्चय रूप में सबसे बड़ी ताकत होती है और वही सरकार की सभी शक्तियों और पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग में लिया जाता है। फिर आता है बेटा देश का पार्लियामेंट यानी कि संसद, इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा और लोअर हाउस आर कंपोज ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस। हमारे संसद के दो सदन हैं, लोकसभा निचला सदन, राज्यसभा ऊपरी सदन, मगर सबसे पहले बिल लोकसभा में पास होता है फिर राज्यसभा में पास होने के लिए जाता है। द राज्यसभा और अपर हाउस रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। इन अवर कंट्री ऑल द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट मीटिंग्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आफ्टर दैट द डिसीजंस आर डिस्कस इन पार्लियामेंट एंड आफ्टर द अप्रूवल बाय मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। थैंक यू।